नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं संतोष कुमार स्मार्ट सॉल्यूशन पटना से। तो आज का टॉपिक है हमारे लिए डीएसओ, यानी कि डीएसओ क्या इस्तेमाल है हमारे रिपेयरिंग में और डीएसओ का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किस तरह से करते हैं। तो चलिए मैं आपको फटाफट बिना डिले किए हुए बताने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप न्यू डीएसओ परचेज करते हैं, जैसा कि ये हमारा न्यू है। इसका अगर आप फर्स्ट टाइम परचेज करते हैं तो इसकी थोड़ी ना कैलिब्रेशन करनी पड़ती है। कैलिब्रेशन में आपको करना क्या है कि सबसे पहले मशीन को पावर ऑन करनी है। ठीक है, पावर ऑन होने के बाद आप इसका देख पा रहे होंगे कि इसकी मिडिल लाइन बनी हुई है एक लाइन। इस मिडिल लाइन में क्या है कि ये चैनल अभी हमारा वन पे मशीन ऑन है, चैनल वन पे। ये दो चैनल की मशीन है। अब इस चैनल वन पे हमें देखना है कि हमारा मशीन का जो कपलिंग है वो सही है, यानी कि इसकी जो रीडिंग्स है वो सही है या नहीं है। तो इसका जो ये केबल दिया गया है, सबसे पहले आप इस केबल को लगाएं। तो इस केबल में आप इसे इस तरह से सीधा पहले इसको डालें और सीधा डालने के बाद इसको इस तरह से घुमा दें। ठीक है, हमारा केबल लगने के बाद सेंसिटिविटी एक्टिव हो चुका है। इसमें देखेंगे दो प्रॉड देता है, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। तो मशीन के साइड में आप देखेंगे यहां नेगेटिव प्रॉड दिया गया है, आप इसको नेगेटिव में लगा दें और इसको आप पॉजिटिव में लगा दें। ठीक है, तो यहां से क्या है, हमारा मशीन नेगेटिव पॉजिटिव का इस तरह से कुछ आने लगा है। अगर आप इसको नहीं ज्यादा मेंटेनेंस कर सकते हैं, आपको लगता है कि इतनी ज्यादा मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो आप शॉर्टकट में इसमें एक ऑटो की दिया गया, आप इस ऑटो की को प्रेस कर दें। ठीक है, जैसे ही आप ऑटो की को प्रेस करेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये हमारा जो वेव है, जो हमारी डीसी की वेव शेप होता है, वो बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये वेव शेप अगर आपका किसी भी कारण बस ऊपर या नीचे सॉलिड नहीं आ रहा है, ये देखिए हमारा सॉलिड वेव शेप आ रहा है, अगर ये सॉलिड नहीं आ रहा है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसको ठीक करने के लिए आपके ये जो टूल किट है इसके अंदर कुछ टूल्स दिए जाते हैं। ये देख रहे हैं, ये कुछ टूल्स दिया गया। आप इनमें से ये वाली जो स्क्रू ड्राइवर है आप इसे निकाल सकते हैं और इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से सामने में इसका ये होल होता है, इसमें डाल करके आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। ये ठीक है, तो ये जो स्क्रू ड्राइवर देता है इसका एक्चुअली में यही काम है कि इसकी जो वेव शेप है, अगर ये वेव शेप सीधा नहीं आ रहा है तो आप इससे इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो एवरीवन आप देख सकते हैं कि डीएसओ मशीन है और ये डीएसओ मशीन का पूरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस पर भी मैं आपको बहुत जल्द वीडियो बना के देने वाला हूं। इसका खास करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने रिपेयरिंग में, ज्यादातर I2C लाइन को चेक करने के लिए, मीपी लाइन को चेक करने के लिए और जो हमारे RFFE क्लॉक डाटा होता है इसको चेक करने के लिए, तो इन सभी चीजों को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर इसकी आपको कंप्लीटली नॉलेज चाहिए कंप्लीट, तो आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ के ले सकते हैं। तो चलिए एवरीवन, थैंक यू एंड धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने।